नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं आपको, वो मैं आपको डिस्कस करूंगी, जो आपके पहले से आ चुके हैं ये क्वेश्चन और आने आपके आ सकते हैं आगे वाले कुछ एग्जाम में। तो देखते हैं, ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है आपका डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रेन, यानी बच्चों में जो लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, इसका विकास कैसे, किस प्रक्रिया, पहले कैसे क्या बोलते हैं, उसके बाद कैसे सेंटेंस बोलते हैं, कौन से जटिल वाक्य बोलते हैं, कैसे, यानी सारी चीजें कैसे एक स्टेप बाय स्टेप चलता है। देखिए, इसको मैं शुरू वीडियो करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे कहते हैं इंग्लिश मैम लिखती है, हिंदी में नहीं लिखती है। देखिए, मैं जो है इंग्लिश में लिखती हूं, लेकिन मैं उसकी मीनिंग बताते चलती हूं। जहां आपको नहीं आता वहां भी कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन मेरी कोशिश रहती है मैं इंग्लिश में भले लिखूं, लेकिन मैं आपको उसका हिंदी में उसका वर्जन में जरूर बताती हूँ। और रही बात क्वेश्चन, कभी कभी क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपके आते हैं वही इंग्लिश के शब्द को हिंदी में भी लिख देते हैं और हिंदी उसका मीनिंग सहित में देते हैं। ये देते भी हैं, वो शब्द ऐसे देते हैं कि जो आप उसको समझ ही नहीं पाओ हिंदी क्या लिखी है उसकी। इसीलिए हमारी एक है कि एक रिक्वेस्ट है कि आप हिंदी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप इंग्लिश को दीजिए, क्योंकि इंग्लिश के शब्द ही आपको हिंदी में भी वही रहते हैं और अंग्रेजी में भी वही रहते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है मैं आपको हिंदी में बताऊं। अब जो देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रेन, यानी बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है। पहला आपका होलोफ्रास्टिक, अर्ली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, टेलीग्राफिक स्टेज, लिंग्विस्टिक इंट्यूशन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे पहले बच्चा तो सेंटेंस या कोई शब्द को तो बोलना सीखता नहीं है, तो पहले क्या जैसे जैसे वो उसका मतलब आय बढ़ती जाती है, वो जब बोलने के कुछ शब्द को मुंह से निकालता है तो उसको बोलते हैं होलोफ्रास्टिक। एक शब्द आता है कि जब बच्चा ऑल ओवर कुछ शब्द को मुंह से निकाले, जब कोई चीज बोलना वो शुरू करता है, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, होलोफ्रास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोफ्रास्टिक कहते हैं। इसी को समग्र विरोधी कहते हैं। सबसे पहले क्या आता है इस लैंग्वेज में, पहला होलोफ्रास्टिक। दूसरा आता है तब वो कुछ टेलीग्राफिक वर्ड जो है यूज करने लगता है, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको वो मतलब बोलने लगता है। दूसरा आपका आता है टेलीग्राफिक स्टेज। तीसरा है आपका कि अर्ली, इसके बाद कुछ शब्दों को मतलब कि निकालता है जो क्लियर भी नहीं होते, वो क्या बच्चा कह रहा है। इसके बाद क्या होता है कि वो कुछ चीजों को कह सकते हैं कि कुछ शुरुआती जटिल वाक्य बोलने लगता है, यानी शब्द तो बोलता है, धीरे धीरे जैसे कुछ शब्दों को सीख जाता है तब उसको एक शब्द एक वाक्य में बोलने की कोशिश करता है। जैसे पानी दीजिए, तो पानी दीजिए नहीं कहेगा, पानी दो, पानी, यानी पूरे सेंटेंस को नहीं बोलता है, यानी पूरे सेंटेंस को बोलने की कोशिश करता है लेकिन वो पूरा बोल नहीं पाता है। उसको बोलते हैं अर्ली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको बोलते हैं शुरुआती जटिल वाक्य। तो तीसरा आपका क्या होगा, शुरुआती जटिल वाक्य। इसके बाद वो शुरुआती में जटिल वाक्य बोलता है, फिर धीरे धीरे यहाँ पर जब सीख जाता है तब जो जटिल वाक्य है उसको भी बोलने की वो कोशिश करने लगता है, यानी उसको भी फिर बोलने की कोशिश करने लगता है कि कैसे मतलब वो सेंटेंस को एक क्लियर वे में कैसे बोला जाएगा, उसको बोलने की पूरी कोशिश करने लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब कोई तरीके से भाषा पर उसका मतलब कंट्रोल हो जाता है, तब उसको एक लैंग्वेज के रूप में वो बोलना शुरू कर देता है। तो ये है आपका पहला कि इस पहले होता है होलोफ्रास्टिक, दूसरा आपका टेलीग्राफिक स्टेज, तीसरा है अर्ली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और चौथा है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और लास्ट में आपका है लिंग्विस्टिक इंट्यूशन, यानी अपनी भाषाओं के रूप में सहज रूप में बोलने लगता है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि देखिए ये बच्चे की इस मतलब दिया गया है कैसे बच्चा किसी को मतलब इसकी एक स्टेज दी गई है कि कैसे क्या क्या बच्चा को इसे कह सकते हैं, क्रियात्मक जो विकास होता है बच्चे का वो इससे मतलब इसको मैंने दिया है इसमें से करने के लिए। तो इसमें पहला है कि सबसे पहले क्या करता है बच्चा, पहले बच्चा तो कुछ सीखता नहीं, पहले वो सोशल स्माइल करता है। अब सोशल स्माइल का मतलब कि बच्चा अपनी बच्चों किसी दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए वो पहले हंसता है, हंसने से दूसरे को क्या करता है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे हमें कोई उठा ले, हमसे कोई बात, हमसे मतलब हमें खिलाए कोई, तो सबसे पहले क्या होता है उसका सोशल स्माइल करता है। ठीक, अब दूसरा आता है कि सोशल स्माइल करता है, धीरे धीरे क्या होता है, सिट्स विदाउट सपोर्ट या टर्न्स फ्रॉम प्रोन टू सुपाइन अधोमुख, इसको हम हिंदी बोलते हैं अधोमुख से उधर मुख की तरफ पलटना, यानी जब बच्चा पहले तो हंसता है मुस्कुराता है,
और मुस्कुराने के बाद फिर क्या होता है, तो बैठना वो सीखा भी नहीं रहता है, तब वो लेटा ही रहता है, तो उससे क्या होता है, पहले वो अधोमुख से उधरमुख की तरफ, जिसको हम बोलते हैं टर्न फ्रॉम प्रोन टू सुपाइन, क्या है, प्रोन टू सुपाइन, तो उसके पहले इससे क्या होता है, अधोमुख से उधरमुख की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ वो पलटने लगता है। अब दूसरा आपका आता है कि जो पलटने लगता है धीरे धीरे, फिर वो बिना सहारे के बैठने की कोशिश करता है, तो सिट्स विदाउट सपोर्ट, तीसरा क्या होगा, सिट्स विदाउट सपोर्ट, तो पहले पलटना सीखा, उसके बाद वो बैठना बिना सहारे के वो बैठता है। नेक्स्ट आते हैं पुल्स टू स्टैंड, यानी उठकर खड़ा होता है, तब धीरे धीरे जब बैठना सीख जाता है किसी चीज के पकड़ के वो उठने की वो कोशिश करता है। तो चौथा स्टेज है उठकर खड़े होना या किसी चीज को पकड़कर खड़े होना, फिर धीरे धीरे वो जो होता है सीखता है, जैसे उसका विकास होता जाता है क्रियात्मक, वैसे वैसे लास्ट में क्या होता है क्लाइंब स्टेयर्स है, सीढ़ियों पर चढ़ना भी शुरू कर देता है। सीढ़ियों पर चढ़ना तो शुरू करता है लेकिन उतरना नहीं सीख पाता, पहले वो चढ़ना सीखता है। तो ये है आपका स्टेज, क्या है, मोटर डेवलपमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्लोदिंग एंड टेक्सटाइल से रिलेटेड है, ये हमारा है क्लोदिंग एंड टेक्सटाइल। अब देखते हैं क्लोदिंग एंड टेक्सटाइल में ये क्वेश्चन आपका आया भी हुआ है, ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन की शब्द जो है शब्द पे ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें क्या है, टॉयल्स डी जॉय, क्या है टॉयल्स डी जॉय का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों एक तरीके से एक कपड़ा होता है जो एक डेलिकेट का मतलब ऐसे कपड़े जो बहुत ही नाजुक होते हैं, मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और उस पर जो है छपाई की गई होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉयल्स डी जॉय का मतलब ऐसे कपड़े जो नाजुक प्रिंटेड डिजाइन में, यानी जो डेलिकेट हो और वो प्रिंटेड हो, प्रिंटेड का मतलब उस पर प्रिंट किया गया, नाजुक कपड़े पर प्रिंट किया गया है, को हम क्या बोलते हैं, टॉयल डी जॉय। नेक्स्ट आते हैं टेपेस्ट्री क्या होता है, देखिए टेपेस्ट्री जो होता है ये आपका पैटर्न होता है, ऐसा पैटर्न जो कलर्ड फिलिंग यार्न, यानी टेपेस्ट्री क्या होता है, जो वेफ्ट यार्न से, यानी जो वेफ्ट के जो धागे होते हैं उससे जो बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, टेपेस्ट्री कहते हैं। तो ऐसा पैटर्न जो बनाया जाता है कलर्ड फिलिंग यार्न, यानी जो कलर किया हुआ वेफ्ट यार्न का जो धागा होता है उससे जो बनाते हैं हमारा क्या होता है, टेपेस्ट्री होता है। नेक्स्ट आते हैं टापा क्या होता है, टापा एक शब्द है ये भी जाने रहिए, टापा क्या होता है, एक नॉन वूवन क्लॉथ होता है। टापा क्या है, नॉन यानी बिना बुना हुआ कपड़ा, मैंने आपको बताया है वीडियो में नॉन ओवन और ओवन क्यों किसे कहते हैं उसको आप देख लेंगे, तो नॉन ओवन का मतलब कि जो जिसको बिना बुने ही वो कपड़े के रूप दे दिया जाता है उसको नॉन ओवन कहते हैं, तो टापा क्या होता है, एक नॉन ओवन क्लॉथ है। नेक्स्ट आते हैं वेफले क्लॉथ क्या होता है, वेफले क्लॉथ ऐसा होता है जो हनीकम्ब की वीविंग, यानी जो हनीकम्ब की तरह इस तरह से डिजाइन जो बनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हनीकम्ब, क्या बोलते हैं, हनीकम्ब, यानी जो जिसपे एक जाल सा होता है उसी तरह से आपका ये जो वेफले क्लॉथ होता है ये बनाया जाता है, तो ऐसे कपड़े जिस पर हनीकम्ब की डिजाइन होती है उसको हम वेफले क्लॉथ बोलते हैं। अब देखिए ये आपका एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, ये आपका टाइम रिलेटेड PLA मेथड। देखिए इसको जानने से पहले आपको जानना होगा PLA क्या होता है, क्या होता है PLA, PLA का मतलब होता है पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन, क्या होता है पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन, पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन। देखिए पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन होता, देखिए इसी को हम आज PR के नाम से जानते हैं, PRA यानी पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। देखिए इसको रॉबर्ट चैम्बर ने इसकी खोज किया था PRA, और ये जो होता है ये गांव वालों से इंट्रैक्ट होने के लिए एक मेथोडोलॉजी होता है जिससे उनकी स्थिति परिस्थिति उनकी क्या आवश्यकता है उसको हम जान सकते हैं इन मेथड के द्वारा। तो ये PRA एक क्या है, मेथोडोलॉजी होता है, एक मेथोडोलॉजी अप्रोच होता है लोगों तक पहुँचने के लिए, जो विलेज पीपुल होते हैं उनसे इंट्रैक्ट होने के लिए। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं टाइम रिलेटेड, यानी जो कौन से ऐसे इसमें मेथड दिए गए हैं जो टाइम को बताने का कार्य करता है। अब इसमें आपका देखिए हिस्टोरिकल, वेन डायग्राम, सीजनल डायग्राम, ट्रेंड एनालिसिस और मैट्रिक्स रैंकिंग। देखिए जो हिस्टोरिकल होता है आप इसी से अंदाज लगा सकते हो, हिस्टोरिकल का मतलब जो ऐतिहासिक चीजें हैं, यानी पहले पिछले में क्या क्या उन्होंने कैसी खेती करते थे, क्या क्या उनका उद्योग था, तो ये सब जानने के लिए हम क्या करते हैं हिस्टोरिकल
पर जाते हैं। दूसरा आपका वेन डायग्राम, वेन डायग्राम एक तरीके से मैपिंग की जाती है वहाँ गांव के चीज़ों को जानने के लिए, गांव के एरिया को पूरा जानने के लिए। सीजनल, देखिए सीजनल डायग्राम क्या होता है कि जो एक ऋतु के अनुसार चीज़ों को जो बोया जाता है, ऋतु अनुसार जो उसे परिवर्तन होते हैं वो हमारा क्या होता है, सीजनल डायग्राम होता है। तो आपका एक टाइम में हुआ हिस्टोरिकल, दूसरा आपका होता है सीजनल, और तीसरा आपका आता है ट्रेंड एनालिसिस। अब ट्रेंड का मतलब जो एक परंपरागत तरीके से जो विश्लेषण करना, वो हमारा क्या होता है, ट्रेंड एनालिसिस। और लास्ट में आता है मैट्रिक्स रैंकिंग, यानी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो उसको ज़्यादा महत्व देना, यानी ये भी आपका क्या है, ये भी PLA का ही मेथड होता है। तो इसमें से आपका जो टाइम रेट मेथड क्या है, हिस्टोरिकल है, सीजनल है और ट्रेंड एनालिसिस। तो ये हमारी वीडियो जिसमें मैंने क्वेश्चन को जो आपके सामने डिस्कस किया, यदि ये मेरी पहल अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें बताइएगा इस तरह से क्वेश्चन लाना क्या आपके लिए बेनिफिट होगा कि नहीं। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।